मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अमूमन हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे, हमारा देश आगे उन्नति करे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए वाकई में काम कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जो लगातार देश को प्रगति पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ देश के हर नागरिक को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं। आप ना केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि अपने लेखन के जरिए भी हमारे देश के लोगों में मोटिवेशन फूंक रहे हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। हिंदुओं में दान पुण्य, इस्लाम में अल्म या जकात, क्रिश्चियनिटी में गिविंग आर्ट या सिखों में सेवा, समाज सेवा का ये प्रतिबिंब हजारों सालों से भारत की संस्कृति का अनूठा अंग है। भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना बांटे अधिकाधिक आनंद लेता है तो वो चोर है। और आज भी भारत के 836 मिलियन एडल्ट्स में से लगभग 84% साल में कम एक बार दान जरूर करते हैं। शायद इसीलिए भारत को ग्लोबल फिलेंथ्रोपिक पावर हाउस के रूप में देखा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस बुक्स के ऑथर और एक बेहतरीन फिलेंथ्रोपिस्ट श्री सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। जब हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट तो ये जो एक वर्ड है फिलेंथ्रोपी, इसकी हर किसी के लिए एक अलग अलग परिभाषा होती है। आप खुद ज्ञान का भंडार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप फिलेंथ्रोपी को किस तरह से परिभाषित करते हैं। देखिए, मेरी परिभाषा बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि फिलेंथ्रोपी का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को एक ऐसी एजुकेशन दें जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, और एक ऐसे व्यक्ति को जो एजुकेटेड तो है जी, लेकिन वो एजुकेशन उसके पास सारी एकेडमिक है लेकिन वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने या कहीं पे जॉब कैसे अच्छा ले। तो मेरे को लगता है यदि उसकी उस समय हम मदद करें कि उसको बाकी की स्किल दें जिससे कि वो अपना एंटरप्रेन्योर बन सके या कहीं पे जॉब कर सके। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे जितने भी अंडरप्रिविलेज्ड लोग हैं, हम उनको ऐसी शिक्षा दें जिससे उनकी हेल्थ ठीक रह सके जी। और बेसिक हेल्थ पे हम अगर काम करें जी, तो उसे मैं फिलेंथ्रोपी मानता हूँ। ओके। जबकि अधिकतर क्या हो रहा है हमारे देश में, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं या जो बाकी लोग हैं, वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा निकालते जरूर हैं लेकिन उसको निकाल के वो खर्च इस प्रकार से करते हैं जिससे उनकी फौरी तौर पे तो मदद हो जाती है। मतलब कि जैसे किसी मतलब को खाना चाहिए, वो एक टेंपरेरी मदद हो गई, टेंपरेरी मदद चाहिए। हाँ। कभी उनको खाना दे दिया, कभी उनको कंबल दे दिए। तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ यदि वो सारा कुछ हम ऐसे लगाएं कि हम उनको हैंड होल्डिंग करके उनको इस लायक बना दें कि वो अपने लिए पैसे कमा सकें और अपने लिए कुछ अर्न कर सकें, तो जैसे ही वो अपने लिए अर्न करना शुरू करेंगे तो उनका स्वाभिमान और हाँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर वो अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं जी। समाज की देखभाल कर सकते हैं और साथ में वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली हाँ। कहने का मतलब ये है कि हम उन्हें खाना पका पकाया खिलाने की जगह खाना बनाना सिखा दें। बिल्कुल ठीक बात है, ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में तो कम से कम अपना पेट भर सके, पेट भर सके। और ये हमें बहुत शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे देश में देखें अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे देश में आप देखोगे ग्रेजुएट बहुत सारे मिलेंगे जी, पोस्ट ग्रेजुएट बहुत सारे मिलेंगे, इंजीनियर बहुत सारे मिलेंगे, डॉक्टर्स बहुत सारे मिलेंगे, प्रोफेशनल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उनकी जॉब नहीं होती उनके पास। हाँ। क्यों नहीं होती जॉब उनके पास? उसके दो कारण है। एक तो कारण ये है कि उनके पास जॉब वाली स्किल नहीं है। जब वो एक इंजीनियर बाहर निकलता है तो वो एकदम से कोई भी काम प्रैक्टिकली जाके किसी कंपनी में नहीं, बेसिकली थियोरी में सब कुछ पढ़ा, थियोरी में सब कुछ पढ़ा हुआ है, एकेडमिक सब कुछ किए हुए। तो मैं कहता हूँ उनकी हैंड होल्डिंग, और साथ में हमें एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, तो म्युनिसिपैलिटी के बहुत सारे स्कूल हैं, तो उस स्कूलों में अगर आप जाके एजुकेशन दें और वहां से बच्चों को पकड़ना शुरू करें कि उनको एजुकेशन कैसे ऐसी मिलेगी, उन्हें जॉब मिले, सो दैट इज द राइट फिलैंथ्रोपी, वो राइट, जिससे कि आपने फिर उन सबको एक तरह से सबल बना दोगे, वो सब व्यक्ति सब बच्चे ऐसे बन जाएंगे कि वो एक अच्छे समाज में व्यक्ति बन सके, और वो उनको कुछ ना कुछ या तो जॉब के लिए आएगा, उसमें से कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो जॉब देंगे। हाँ, तो जॉब क्रिएशन भी होगा, एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे, बेरोजगारी भी खत्म होगी, क्योंकि हमारा जो देश है अगले 2 सालों में सबसे यंगेस्ट कंट्री बन जाएगा। हमारे यहाँ एवरेज एज 29 हो जाएगी।
तो उसका अगर आपने फायदा उठा लिया तो आप वर्ल्ड की सुपर पावर बन गए, और नहीं फायदा उठाया सब कुछ खत्म, तो आप और पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अगर उनको कुछ काम नहीं दे पाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, अपना व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे सबको पता है। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है, फिलंथ्रोफी मतलब किसी को भी अपने पांव पर खड़ा होना सिखा दिया जाए। बिल्कुल। आपको इस फिलंथ्रोफी करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन की तो उस समय मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने देखा इस बात की बहुत कमी है कि हमारे देश में जो ग्रेजुएट हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता उन्हें अब क्या करना है। हाँ, मतलब जो प्रॉब्लम आपके साथ थी, हाँ, आपने उस चीज को एनालाइज किया कि हर युवा ऐसा सोचता होगा। हाँ, स्कूल के बाद पहले बीकॉम ऑनर्स ले ली, फिर ये लगा कि सबसे मुश्किल सीए, तो सीए कर ली। हाँ, और सीए करने के बाद भी एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि अब क्या करना है, कि अब हम जॉब करें या प्रैक्टिस करें, किस में ज्यादा अच्छा है, ये हमारी पोटेंशियल है क्या, तो कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अब मैं पिछले 32 साल से यही काम करता हूँ कि जो लोग युवा हैं उनको मैं सिखाता हूँ कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, और मैं बताता हूँ कि किस में खूबी है एंटरप्रेन्योर बनने की और किस में नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो कैसे बने, उसको हैंड होल्डिंग देते हैं कि कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, कैसे उसको डॉक्यूमेंट पे लाएं। तो उसके लिए आप लोगों की पूरी एडवाइस, पूरी कंसल्टेंसी आपकी रहती है? पूरी कंसल्टेंसी रहती है, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो लोग कैसे जुड़ते हैं आपके साथ? मेरे साथ लोग जुड़ते हैं कि मेरे सोशल मीडिया के थ्रू अब ज्यादा लोग जुड़ते हैं। पहले तो कॉन्फ्रेंस और ये सब करते थे, अब सोशल मीडिया के थ्रू लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। आस्क एक्सपर्ट करके हम कंपेन चलाते हैं, उसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं जिसका हम फ्री में उनको जवाब देते हैं, मेल पे पूछते हैं, मेल पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी पूछते हैं तो उनका पूरा जवाब दिया जाता है। और वैसे भी सर, आपकी हमारी मुलाकात ये कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, हम लोग काफी शोज साथ में कर चुके हैं। मैंने देखा है कि जब हम लोग बिजनेस शोज भी करते रहे, जैसे हमारा पहले शो रहा था बिग बिजनेस आइडियाज, तो वहां पर भी आप हमेशा इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते थे कि बजाय इसके कि अपने सवालों के जवाब दिए जाएं, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों को सैटिस्फाई किया जाए, उनके सवालों के जवाब उन तक पहुंचाए जाए। बिल्कुल, अगर आपने देखा था कितने क्वेश्चन लोग पूछते थे, बहुत पूछते, मेल पे पूछते थे, व्हाट्सएप पे पूछते थे, स्टूडियो आके पूछते थे, स्टूडियो में आके इवन लोग रिकॉर्ड करके अपने क्वेश्चन भेजते थे। तो वो जो पैटर्न था वो पैटर्न चला, जैसे 52 एपिसोड हमने कंप्लीट किए उसमें, तो उससे एक पैटर्न सेट हो गया कि लोगों को पता लग गया कि भाई अगर हमारे को कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो लेबर लॉ के रिलेटेड हो, कोई रजिस्ट्रेशन हो, कोई लोन हो, फंडिंग हो, या कहीं से वेंचर कैपिटल लेना हो, या बेसिक चीजें हो कि मैं अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं, उन सब में हम उनकी मदद करते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि जब आपने अपना कॉलेज पास आउट किया, जब आपने अपनी डिग्री पूरी की, तो तब आपको नहीं पता था कि क्या चीज़ करनी है, लेकिन आपको पता चला कि सी ए, अच्छा ये मुश्किल होता है, इसको कर लेते हैं, तो मुश्किलों से कभी नहीं घबराए आप? तब भी नहीं और अब भी नहीं? हाँ नहीं, मेरे को हमेशा लगता था कि सबसे मुश्किल काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सबसे मुश्किल काम करना सबसे आसान है। अच्छा, कैसे? क्योंकि मेरे को लगता है क्योंकि वो मुश्किल इसलिए है कि लोग उसे ठीक से नहीं करते, तो ठीक से करना है बस, तो ठीक से करूंगा तो आसान हो जाएगी, तो जो लोगों को मुश्किल लगता है वो मुझे आसान लगता है। आप जब लोगों को कोई भी ज्ञान देते हैं, जैसे आपने कहा कि आप उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना सिखाते हैं, तो उनकी जो क्वेरीज हैं वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी एक हैंड होल्डिंग इस चीज में भी करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी किस तरह से मदद कर सकती है या वो गवर्नमेंट के किस तरीके से काम आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया कि हमारा जो समाज है उसको सरकार के साथ जोड़ने का, जो हम कह सकते हैं बीच में धागे का काम है, वो आप कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो सरकार होती है ना उसका काम किसी की मदद करना नहीं होता, उसका काम पूरे देश को आगे ले जाना है। हाँ। तो पूरे देश को आगे ले जाने के लिए वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कुछ पॉलिसी और स्कीम बनाते हैं कि जैसे युवा को है तो उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि वे मुद्रा योजना है। हाँ। कि जो बिल्कुल युवा है उसको लोन पहले इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं होता था, कोलैटरल सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं होता था, उसके माँ बाप भी नहीं देते थे कि भाई हमारे पास छोटी मोटी जमा पूंजी है, तुम अभी अंगूठे बिजनेस में लगा दोगे, हाँ। वो भी लगा दोगे, फिर गारंटी लगवा लोगे तो फिर रही सही बाद में देश सरकार ले जाएगा। बिल्कुल। तो सरकार ने स्कीम बना दी, अब हमारे जैसे लोगों का काम हो गया उस स्कीम को समाज से जोड़ना कि समाज के लोग सरकार की स्कीम का कैसे फायदा उठाएं। हाँ, वो जो ब्रिज है बेसिकली एक पुल का काम किया है वो आपने। हम जैसे और आपके जैसे लोगों को ही करना है। हाँ, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार ने एक स्कीम बनाई, अब सरकार ने वो स्कीम बना के सरकार 125 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाए, घर घर तो जाएगी नहीं जी। तो उसके पास अपने मीडिया है, अपने साधन है, और वो सारे संसाधनों को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए या फिर मीडिया में लगा दे। तो हम कहते हैं उनको लगाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में और स्कीम बनाने में, उसको बाकी समाज से कैसे जोड़ना है वो हमारे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और समाज को
गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ के जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो कि उसकी जो स्कीम बनी है जिस पर्पस से बनी थी कि वो देश में चाहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, एंटरप्रेन्योर बने जी। तो लोन सबसे मुश्किल होता था हाँ। तो उन्होंने बोला 10 लाख तक के लोन के इस स्कीम में लो, और आपने वो जानकारी लोगों तक पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई और उनको बताया कि कैसे अवेल करना है इसको। सो दैट मींस यू टेल देम द प्रोसेस कि क्या सही प्रोसेस है, कौन से कागज हैं जो आपको लेकर जाने हैं, कौन सी वेबसाइट है आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। जैसा काम मैं कर रहा हूँ पिछले 30-32 साल से, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा, गिनती कम है ऐसे लोगों की। तो ये 1, 2, 10, 20, 100 लोग नहीं कर सकते, इसके लिए हजारों लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, क्योंकि मैंने तो इसको अपने करियर ऑप्शन के रूप में लिया, लेकिन मैंने ये भी ध्यान रखा मैं पैसे ना लूं, क्योंकि अभी तक जितने भी कंसल्टेंट थे, जितने भी इस तरह के कंसल्टेंट हैं, वो सब पैसा लेते हैं। तो दैट मींस जो एक आम इंसान है उस तक तो ये बात पहुंच ही नहीं सकती, पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास पहले ही इतना कम पैसा है। अगर वो उसने उसकी फीस के रूप में दे दिया तो वो तो जीरो ही हो गया। क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए काम कर रहा हूँ जो व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए भी काम करता हूँ जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनसे पैसे लेता हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी जी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी प्रैक्टिस होगी। बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में देश के हमारी कंपनी का नाम शुमार होता है। जी जी, दैट्स ब्यूटीफुल। और मैं चाहूंगी कि आप जैसे और बहुत से लोग हों ताकि समाज में हर किसी को मदद मिल सके आगे बढ़ने के लिए। फिलंथ्रोफी को करते हुए या अपने काम को करते हुए कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जो आपको लगा कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल था? जो हर्डल होते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। स्टूडेंट ने टीचर की हत्या कर दी, बाप ने बेटी के साथ जबरदस्ती की, भाई ने किया भाई का कत्ल, गार्ड ने ही लूटा बैंक का पैसा। इनके पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं थी और ना ही ये लोग समाज से अलग थे। हर अपराध की शुरुआत है एक गलत सोच। सोच बदलो, समाज बदलेगा। चाहे आदमी हो या औरत, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री ये नहीं सिखाती कि आपको सिर्फ सुपरफेशियली आपको ब्यूटीफुल लगना है। इंडस्ट्री में आपका माइंड, बॉडी और सोल को फिट रखने का काम आज हम लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं। भारत में फिलंथ्रोफी का विकास एक अलग ही रूप में हुआ, जो हमारे सामाजिक आर्थिक इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक विचारधाराओं से अत्यंत प्रभावित रहा। 18वीं शताब्दी तक अधिकाधिक फिलंथ्रोफी व्यापारियों द्वारा की जाती थी, जैसे मारवाड़ी, जैन, बनिया और पारसी। सामाजिक कारणों से ये फिलंथ्रोफी केवल धार्मिक रूप में होती थी, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इंडियन फिलंथ्रोफी में क्रांति लेकर आए, जिससे ये धार्मिक भावनाओं से उठकर राष्ट्रहित में कारगर हुआ। जैसे भूदान, जिससे गरीब किसानों का उत्थान हुआ, और सर्वोदय, जिससे गरीब श्रमिकों का उद्धार हुआ। और इसी कारण भारत को मिले बड़े फिलंथ्रोफिस्ट जैसे वीरचंद गांधी, जीडी बिरला, जमुना लाल बजाज और बाबा आमटे। सर, जैसा कि आपने बताया कि जब आपने शुरू किया था, आपको खुद को नहीं पता था कि आप इतने बड़े लेवल पर आ जाएंगे काम करते करते, तो इस फिलंथ्रोफी को करते हुए या अपने काम को करते हुए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जो आपको लगा कि भाई इसको पार करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब पार कर लिया अब देख कर लगता है कि पता नहीं कैसे हो गया? वैसे मैं सच बोलूँ तो मेरे को कभी चुनौती आई नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे को जो कठिनाई आई, क्योंकि ये मेरा पैशन था, मैं चाहता था कि मैं अपनी जो नॉलेज है और जो गवर्नमेंट जैसी कोई स्कीम लाती है मैं उसको पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरे को ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। हाँ।
तो क्योंकि मेरा पैशन है तो जो हर्डल होते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि बाकी लोग इसलिए नहीं कर पा रहे कि हर्डल है, तो ये हर्डल इसलिए मैं जितने ज्यादा हर्डल उतनी मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, मुश्किल चीज को चुन लेते हैं, उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मुश्किल है, ये वाले सेगमेंट को पकड़ना मुश्किल है, तो मैं ज्यादा काम करता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है तो मुझे उसी से एनर्जी मिलती है। तो आपने एक और मुश्किल काम चुन रखा है आपने, ऑडिटिंग का और टैक्स एडवाइस का, तो ये तो बड़ा ही मुश्किल है, इसको कैसे पकड़ लिया आपने? क्योंकि वो मेरा रियल प्रोफेशन है जी। उसमें भी मैं देखता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ वो देश हित में हो, जो भी मैं काम करूँ वो कानून के दायरे में हो, जितने भी मेरे कंप्लाइंस हो उसमें मुझे ध्यान है कि शायद मैं आज से 25 साल पहले भी जब क्लाइंट को एडवाइस करता था कि तुम्हें टैक्सेस पूरे देने चाहिए तो लोग हंसते थे कि भाई फिर तुम्हें कोई हायर ही नहीं करेगा क्योंकि सीए का तो काम है टैक्स बचाना। तो मैंने कहा मैं वो काम नहीं करूंगा बचाने वाला। मैं बोलूंगा कि रियल टैक्स कैसे देना है, फालतू भी नहीं देना, कम भी नहीं देना, क्योंकि देश उसी से चलेगा। आप अपने लिए पैसा जोड़ रहे हो, एफडीआई बना रहे हो कि मेरी सात पुश्तें खाएंगी, वो खाएंगी कहां? सड़क तो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, लॉ एंड ऑर्डर तो हो, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? और वैसे भी ये बहुत सच बात है, कहा जाता है कि नींद में जो इंसान हो, जो सोया हुआ हो, उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान जाग रहा है और जागे हुए आंखें बंद करके लेटा है उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस काम को कर पा रहे, जागे हुए लोगों को झिझोड़ रहे हैं और उनके अंदर एक ऐसी जागृति लेकर आ रहे हैं कि वो लोग खुद समझ सकें कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। और मैं बिजनेस हाउसेस को एक बात और कहता हूँ मेरी, कि जो आप प्रॉफिट दिखाते हैं और जो टैक्स देते हैं जी, उसको आप ये ना समझें कि आपने एहसान कर दिया देश के ऊपर, समाज के ऊपर, या मेरे टैक्स से सब कुछ बन रहा है। वो आप अपने फायदे के लिए करते हैं क्योंकि आपका बिजनेस की वैल्यूएशन जब होती है तो वो आपके प्रॉफिट से होती है। अगर मैं पूछता हूँ आप कितना कमाती हैं जी, आप कहते हो मेरे बिजनेस में मैं 5 लाख कमाता हूँ, तो हम बोलेंगे आपके बिजनेस को 5 लाख से मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपकी वैल्यू कितनी है। अगर आप बोलते हो ये कमाई तो है ही नहीं, जीरो है जी, मैं तो लॉस में हो जी, क्योंकि टैक्स नहीं देने आपने तो लॉस में कर दिया इधर उधर करके, तो फिर आपकी वैल्यू में जीरो मानूंगा हमेशा। तो अपनी वर्थ क्रिएटिंग अपने हाथ में, अपने हाथ में है। एक मैं बिल्कुल सिंपल आपको नियम बताऊं, इकोनॉमिक्स का नियम क्या था जी, कि क्या था, एक इधर लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो एक इधर बिजनेस हाउसेज हैं, ये पॉपुलेशन इनमें काम करती है, उसके बदले में इन्हें सैलरी मिलती है, उस ये जो चीज जो बिजनेस हाउसेज हैं कुछ बनाते हैं ये फिर उन्हें परचेज कर लेते हैं, मतलब कि इन्होंने वहां काम करा, पैसा कमाया, उन्होंने जो बनाया इन्होंने खरीद लिया, इन्होंने खरीद लिया। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हुए जो कुछ चीजें अलग अलग तरह की बनाते हैं जो कंज्यूमर को चाहिए, और पूरा कंज्यूमर काम करता है। इसके ऊपर सरकार आई, सरकार ने बोला आप करो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरे को थोड़ा टैक्स देते रहो जिससे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर देखूंगा। तो उसमें हमारे यहाँ 3 तरह के टैक्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेने लगी, हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट देने लगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट ने देखना होता है, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेने लगी देश की पूरी पॉलिसी उसने बनानी होती है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेने लगी कि जो हम आपके यहाँ साफ सफाई और ये करेंगे, तो 3 तरह से टैक्सेस हो गया। तो इस बीच क्या हुआ, हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर डेवलप हुए 70 से शुरू होकर आगे तक, उन्होंने ये करा कि ये सब कुछ करते रहे लेकिन सरकार को टैक्स देना बंद किया। तो एक ऐसी रिजीम आई कि आप हैरान हो जाओगे, 125 करोड़ लोगों के देश में 50-60 लोग कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस में रजिस्ट्रेशन थे। ओह माय गॉड, मतलब इसका मतलब 50-60 लाख लोग ही बिजनेस कर रहे थे, इसी प्रकार इनकम टैक्स में था। तो 125 करोड़ के लोगों के देश में हजारों में अगर टैक्स देने वाले हों, क्योंकि जो लाखों में था कुछ लाख की फिगर थी, उसमें से कुछ तो नील की रिटर्न, कुछ 2 लाख की रिटर्न, प्रोफेशनल की रिटर्न आप खोल के देख लोगे तो कुछ भी नहीं। अब उसके बाद सरकार ने जीएसटी लाया था कि जीएसटी इसीलिए लाया है सबको टैक्स रिजीम में लाना है। तो आप देखोगे जैसे जीएसटी आया करोड़ों लोग उसमें आ गए और बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो वो जो लोग ये जो साइकिल थी इससे निकल के अपनी अलग दुनिया बना ली थी कि टैक्सेस कोई नहीं देने, कमाना पूरा है, तो वो देश के लिए गलत हो रहा था, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा जी, वो खत्म करने के लिए सरकार एक ऐसी रिजीम ले आई कि सबको अब टैक्स नेट में जरूर आना पड़ेगा। और वैसे भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम लोग अमूमन चीजों को देखते हैं, समझते नहीं है, और उसके ऊपर हम अपनी टिप्पणी कर देते हैं, वो सबसे ज्यादा गलत हो जाता है। उन लोगों को समझाने का फर्ज हम लोगों का है, उनको ये समझाना कि जो देश में इकोनॉमिक्स का जो नियम है, जो आज से नहीं है, 500 साल पहले से चल रहा है, वो आपको उसी में रहना पड़ेगा जी। अगर आप अर्न कर रहे हैं तो देना, आपको बिगर अर्निंग के तो कोई मांगता नहीं जी, अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप देना है, नहीं अर्न कर रहे तो कुछ नहीं है, और आप चाहते हो मैं अर्न करूं,
आप उसी लिए पढ़ाई करते हो, उसी लिए सीखते हो, उसी लिए इंजीनियरिंग करते हो, उसी लिए सब कुछ करते हो ना जी। तो जब करने लगे तो फिर आपको देना है, जिससे कि बाकी बच्चे कर सके। बिल्कुल, स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आपकी जनरेशन पढ़ के आगे निकलेगी, आगे जनरेशन बढ़ेगी। बिल्कुल, और वाकई ये बिल्कुल सच है कि जब हम किसी सिस्टम के अंदर होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस सिस्टम को समझें। अमूमन हमारी आदत होती है कि हम सिस्टम को समझे बिना उस पर उंगली उठा देते हैं, इसीलिए सिस्टम को समझिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद सोचिए क्या सही है क्या गलत। सुनील कुमार गुप्ता क्या कुछ करना चाहते हैं देश के लिए या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मीडिया जो स्तंभ है जी, यही एक ऐसा स्तंभ है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को समाज से जोड़ सकता है। स्टूडेंट ने टीचर की हत्या कर दी, बाप ने बेटी के साथ जबरदस्ती की, भाई ने किया भाई का कत्ल, गार्ड ने ही लूटा बैंक का पैसा। इनके पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं थी और ना ही ये लोग समाज से अलग थे। हर अपराध की शुरुआत है एक गलत सोच। सोच बदलो, समाज बदलेगा। चाहे आदमी हो या औरत, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री ये नहीं सिखाती कि आपको सिर्फ सुपरफेशियली आपको ब्यूटीफुल लगना है। इंडस्ट्री में आपका माइंड, बॉडी और सोल को फिट रखने का काम आज हम लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से कर रहे हैं। सर, आप जो इस तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पर, अब मैंने सुना है कि आपका एक नया प्लेटफॉर्म भी निकल कर आया है। आई हैड बीन द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द फेस ऑफ दैट इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम। तो ये फोरम क्या है, किस तरीके से काम करता है, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जब मैं पहली बार बाहर गया जी, तो मुझे ऐसा सुनने में आया कि जी हमारी कंट्री के साथ इसलिए वो बिजनेस नहीं करना चाहते कि वहाँ गलत लोग मिल जाते हैं। मैं इंडिया गया तो मेरा पैसा सब वेस्ट हो गया, मुझे बाद में पता लगा कंसल्टेंट तो फर्जी था। अच्छा, एक्सपीरियंस गलत हो रखे हैं, गलत हो रहे थे लोगों के। तो उस समय हमने एक फोरम जो था इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम, जो यूके का फोरम था, यूके में इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसको हमने हिंदुस्तान में बनाया और उसको हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड कराया एज ए चैरिटी, नॉट फॉर गवर्नमेंट। यू आर द इंडिया चैप्टर लीडर। हाँ, उसमें मैंने क्या शुरू किया कि जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं हम उनको भी फ्री में एक प्लेटफॉर्म देते हैं। Okay. उनको बोलते हैं अगर आप हिंदुस्तान में आके काम करना चाहते हैं तो आप हमारी सलाह लें, हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। Okay, तो उनका कॉन्फिडेंस है, कंट्री के लिए फायदा है ये, कंट्री उनको कॉन्फिडेंस आए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूके में बनी थी जिसमें कि एडवाइजरी बोर्ड में सब बड़े बिजनेस हाउसेस के लीडर हैं। Right. तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जो बिजनेसमैन का ही है, जिसमें कि हम बिजनेसमैन की मदद करते हैं कि अगर आपको यूरोप से इंडिया में आके काम शुरू करना है हम मदद करेंगे, कोई पैसा नहीं है। इंडिया के लोग यूरोप में जाके काम शुरू करेंगे हम मदद करते हैं। Okay. तो वो कहते हैं ये मदद तो ठीक है लेकिन हम मिलें कैसे उसके लिए, उसके लिए हम नेटवर्किंग मीट करते हैं। Okay. हर साल लंदन में एक कम से कम, ज्यादा भी करते हैं, और हिंदुस्तान में 4 से 5 बड़ी मीट करते हैं। Okay. जिसमें विदेश के लोग आते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बड़े बड़े बिजनेस लीडर आते हैं, उनसे नेटवर्किंग कराते हैं हिंदुस्तान के लोगों की। उसमें भी हम कुछ चार्ज नहीं करते क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है हमारी। और जो यहाँ के लोग थे कि जो बाहर जाके करना चाहते थे वो डरते थे, बाहर जाए किससे मिले, किससे मिले, क्या बात करें, पहली बार। तो एक इंसान अपने शहर से बाहर निकलने में बहुत बार सोचता है, यहाँ तो देश से बाहर जा रहे हैं और वो भी अपने व्यापार के सिलसिले में। तो हम बोलते हैं हम मदद करेंगे आपको, हैंड होल्डिंग अप्रोच देंगे, नेटवर्किंग मीट कराएंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ो। तो वो एक तरह का चैम्बर है। हमारे चैम्बर की विशेषता क्या है कि हम किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते जी। आप लिखते भी हैं? जी हाँ, और श्योरली बिजनेस पर ही लिखते होंगे। बिजनेस पर ही लिखता हूँ क्योंकि
जब मैंने देखा कि मैं सब तक नहीं पहुंच पा रहा तो मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, वो भी सब बिजनेस के ऊपर ही है। सबसे पहले था अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन करके मैंने लिखी थी, हिंदुस्तान क्यों है। फिर मैंने उसने लिखी बिग बिजनेस इंडिया गुरु, और फिर मैंने लिखी मेक इन इंडिया। तो उसमें मैंने बताया कि हिंदुस्तान में कितने सेक्टर हैं, उनमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या बेनिफिट हैं, क्या इंसेंटिव हैं। एक तरह से ये एक हैंडी किताब है कि अगर आपको इंडिया में आना है आप प्लेन में बैठिए और किताब पढ़ लीजिए एंड यू गॉट एवरीथिंग। हाँ, उसमें मैंने गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट दी है, क्या डायरेक्ट टैक्स रिजीम है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, कैसे लाइसेंसिंग है, सब कुछ है। और भी मैंने लिखी फिर विंडो टू सक्सेस, छोटे जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा जी, जी, जी। जो बिल्कुल छोटा व्यापार करना चाहता है। मुझे याद है कि जब हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे थे बिग बिजनेस आइडियाज, तो उसमें आपने एक प्रोग्राम के दौरान एक किताब जो है कमिट की थी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, तो उसमें भी आपने किताब लिखी थी, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट के मैंने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या था कि वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है और देश कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता जबकि सब लोग एक साथ ना बढ़े। हम ये नहीं कर सकते कि साउदर्न पार्ट बढ़ रहा है, नॉर्दर्न नहीं है, ईस्टर्न नहीं है, तो उससे देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नेशनल, तो उसके लिए मैंने किताब लिखी कि क्योंकि बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वहाँ बनाना मुश्किल भी है क्योंकि वो पहाड़ी में है। इसीलिए उसके ऊपर मैंने किताब लिखी कि वहाँ के लोग कैसे काम करें, किसकी मदद लें, कौन से कॉरपोरेशन है, कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, कहाँ से काम शुरू करें, पूरी कंट्री में करना चाहते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में करना चाहते हैं, कहीं भी करें, तो उसके ऊपर मैंने बुक लिखी थी। कब दिमाग में आया सर कि अब हाँ मुझे डॉक्यूमेंट करनी चाहिए चीज़ें, किताब लिखनी चाहिए? मुझे लगता है लगभग 5 साल पहले। रिस्पांस कैसा दिखता है? मुझे तो बहुत अच्छा मिलता है। हाँ। मेरे लिए तो वो जो रिस्पांस है वो मेरी एनर्जी है। हाँ। तो मेरे को अगर दिन में 200 क्वेश्चन आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 200 के जवाब दे के फिर वेट करता हूँ और आए तो उसके भी दे दूँ। कौन सी हार्ड डिस्क है जहाँ सारे जवाब फीड है? वो एनर्जी क्वेश्चन से ही मिलती है मुझे। ओके। और मुझे लगता है कि ज्ञान कैसे समेट पाते हैं? मुझे लगता है there are thousands and lakhs of questions that people ask you। वो मुझे लगता है जैसे ही क्वेश्चन कोई पूछता है मुझे अपने आप उसका आंसर पता लग जाता है। सो यू रीड अ लॉट, पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ना पड़ता ही है। आपको इतना समय हो गया फिलेंथ्रोफी करते हुए, देश के लिए कुछ करते हुए, समाज को जोड़ते हुए, आने वाले समय में अगर मैं कहूँ तो सुनील कुमार गुप्ता क्या कुछ करना चाहते हैं देश के लिए या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हम लोग अगर मिलके काम करेंगे तो अगले 5 से 10 साल के अंदर हम देश में इस तरह का माहौल कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ ना हो, हर व्यक्ति के पास जॉब हो या अपना काम हो, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए और सबके पास अपना मकान हो। बिल्कुल, तो बेसिकली वो जो रोटी कपड़ा और मकान की बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए, वो जरूर पूरी हो 10 साल के अंदर, क्योंकि यदि वो एक तरफ पूरी हो गई, एक तरफ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, मिशन से लेकर के बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे को सुपर पावर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सर ऐसी कोई चीज है जो आप अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे देश में ये चीज जो है इसमें बदलाव खासा तौर पर जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो? मुझे जरूर लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेरे को लगता है मीडिया का रोल। मीडिया को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मीडिया अगर हम देखें, क्योंकि उनका कसूर भी नहीं है, वो सब बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस चलाने हैं अपने, तो क्योंकि आप देखें टेक होम बिल्कुल जीरो है। यदि आप कोई प्रोग्राम 5 घंटे टीवी चैनल के आगे बैठे, उसके बाद आप देखें मेरे को अपने लिए क्या मिला या समाज के लिए क्या मिला, क्या सीखा, तो जीरो है। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो कि बिजनेस बेस हो, जिसमें कि एजुकेशन भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, मतलब इस तरह से एजुकेशन दी जाए जिसमें इंटरटेनमेंट भी हो। यस। तो जिससे कि लोगों को सुनने में मजा आए, कि कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने, सब सुन रहे हैं, सबको फायदा हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम हमारे देश में बहुत कम है, तो वो प्रोग्राम ज्यादा बनने चाहिए, क्योंकि मीडिया जो स्तंभ है यही एक ऐसा स्तंभ है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को समाज से जोड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो ये अगर सुधरता है तो मुझे लगता है हमारे देश को कोई रोक नहीं सकता। तो आपको लगता है एक मुलाकात पे टेक होम है? बिल्कुल है। सर ज्ञान का भंडार तो आप हैं ही, और मैं देख सकती हूँ बहुत सारी ज्ञानवर्धक किताबें आपने यहाँ लगाई हुई हैं। Would you like to take us on a ride? Sure, why not? It's my pleasure.